हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल परवीन किचन ब्लॉग। आज की रेसिपी तो आपको मालूम ही पड़ गई होगी करके क्या है, फिर भी मैं बता दूँ। पाव भाजी मम्मी के स्टाइल में कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, सब भाजी हमें धो के अच्छे से वॉश कर लेनी है फिर ही काटनी है। तो ये आधा किलो फ्लावर है, पाव किलो वटाना है, एक शिमला मिर्ची है बड़ी साइज़ का और दो बड़े साइज़ के आलू है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी आलू की कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर भाजी आपको और बढ़ानी है इसके अंदर, जैसे कि फ्रेंच बीन्स हो गई ये सब, तो आप इसके ना बढ़ा सकते हो। अभी और भी भाजी है, आगे वीडियो में देखते रहो अभी और कौन कौन सी भाजी हम यूज़ करने वाले। ये तो एक साइड में, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में करेंगे। और ये जो एक गाजर है भाजी वाली और दो बड़ी साइज़ की शिमला मिर्ची हमें इस तरीके से बारीक चॉप करके ले लेनी है। और ये दो टमाटर है, इसे भी बारीक साइज चॉप करके लेनी है। और ये दो बड़े साइज़ के कांदे है, ये भी हमें इसी तरीके से चॉप करके ले लेनी है। अभी ये भाजी का हम क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले जो हमने कटोरे में भाजी रखे थे उसका क्या करने वाले वो भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मसाले देख लेते हैं भाजी में क्या क्या लगेंगे। मसाले में हम स्वाद अनुसार मिर्ची देंगे, हम लोग ने कम लिए है मिर्ची, जैसे कि 7-8 मिर्ची ली है। एक बड़े साइज़ का कांदा लिए, इस तरीके से काट के ले लेना है। एक कड़ी पत्ते की दाल ले लेनी है, उसे भी पत्ते निकाल लेने। ये दो छोटे चम्मच जीरा है, एक दालचीनी है तोड़ के ले ली है और काली मिर्ची 7 से 8। ये लाल मिर्ची पाउडर है 4 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है। और ये 1 मुट्ठी कोथमीर है। अब आगे के प्रोसेस देखते जाओ और मम्मी के हाथों पे ध्यान देखते हो। अब मसाले सब बता दिए करके क्या क्या लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे। और ये मस्का है और साथ में पाव भाजी का मसाले का पैकेट ले लेना है 10 रुपये वाला। अब जो मैंने फ्लावर, आलू, बीटरूट और आलू जो भी वटाना बताई थी वो हमें कुकर में डाल लेना है। और स्वाद अनुसार नमक डालना है, 1 चम्मच हल्दी पड़ेगी। और इसे हमें क्या करना है अभी देखो, इसके ना और क्या पड़ता है वो भी देख लो। इसके ना लाल मिर्ची पाउडर भी पड़ा है। बस ये मम्मी के हाथों पर ध्यान देते जाओ करके हमें भाजी कैसे बॉईल करके लेनी, किस तरीके से बॉईल करके लेनी है। इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला पड़ा हुआ है, देखो मम्मी बता रही पाव भाजी मसाला है। ये 1 चम्मच मम्मी ने लगभग पाव भाजी मसाला डाला उबालने के लिए। उबालने में तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए हम झटपट सी सीटी लगा के ले लेंगे ताकि हमारी झटपट झटपट जल्दी से पाव भाजी भी तैयार हो जाए और खाने में भी मज़ा आए। तो हमें क्वांटिटी में जितनी भाजी रहेगी वही हिसाब से क्वांटिटी में हमें पानी भी लेना है। ज़्यादा 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 नहीं डाल देना, वरना मालूम पड़ा प्रेशर कुकर से पानी ज़्यादा ज़्यादा। बस जो भाजी रहेगी भाजी से मतलब भाजी भीग जाए डूब जाए इतनी लेनी है। अभी अच्छे से 7-8 सीटी लगा के ले लेंगे, भाजी गल जाएगी। 7-8 सीटी क्या, 4-5 सीटी भी बस है। अगर नहीं गली तो 1-2 ज़्यादा सीटी लगा सकते हैं। अब क्या करना है, भाजी जब गल जाएगी हाथ से तोड़ के देख लेना, अगर भाजी गल गई हो, वटाना गल गया हो, तो हमें इसे अच्छे से दाल घुटनी से या जो ग्राइंडर होता है उससे हमें इस तरीके से पाव भाजी को हमें ऐसे करके ले लेना। अब क्या करना है, गैस ऑन करना है। गैस ऑन करके हमें कढ़ाई ये रखना है, बर्तन रखना है, कढ़ाई रख लो, हंडी रख लो, जो रखना है रखो। उसके अंदर 1 बड़ा साइज़ चम्मच तेल डालो। तेल डालने में हम शिमला मिर्ची उसके अंदर छोड़ देंगे। और ये मसाले कौन से है जो मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची, काली मिर्ची और वो सब बताए थे खड़े मसाले के साथ में, वो हमें पीस के पेस्ट बनाना है। अब शिमला मिर्ची लाल हो गई थी तो हमने गाजर रख दिया, गाजर को लाल करने के लिए रख दिया। अब ये जब गाजर लाल हो जाएगी तो इसे भी हम साइड में बर्तन में रख लेंगे। और फिर रिटर्न से हम थोड़ा सा तेल और मस्का मिक्स, या आप चाहे तो एक पूरा मस्का भी रख सकते हो या नहीं चाहे तो आप तेल भी रख सकते हो। अभी देखो मम्मी इसके ना 1 चम्मच मस्का डालेगी और थोड़ा तेल डालेगी ताकि मस्का भी फ्लेवर आए और तेल मतलब मस्का बहुत ज़्यादा फैट में हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा तेल डाल देंगे। और पीछे के बैकग्राउंड वॉइस को आप इग्नोर करना। अब जब देखो मम्मी ने मस्का और तेल एक बराबर डाली ताकि बराबर हो जाए। अब ये 5 खड़े मसाले अपने, ये अपना राई है, कलौंजी है, सौंफ है, जीरा है और थोड़ी सी धनिया, अक्खी धनिया है। अभी इसे डाल के हम तड़का दे देंगे लाल मिर्ची और कड़ी पत्ते के, तेज पत्ते के साथ। जब ये थोड़ा चरचराना कम हो जाएगा तब हम आगे देखेंगे प्रोसेस में हम क्या क्या डालेंगे। बस अभी इसके ना प्याज पड़ गया जो मैंने तुम्हें फाइन चॉप करके रखने बोले थे। अभी इसके ना आधा प्याज डाला हुआ है, आधा इसीलिए क्योंकि आधा हमें बाद में ऊपर से पाव भाजी के साथ डालने में खा के अच्छा लगे खाने में, इसके लिए आधा प्याज डाला। और टमाटर की भी प्योरी पूरी डाली है,
कम नहीं, जितनी प्योरी टमाटर हमने फाइन चॉप किया था वो, और जो मसाले पीसे थे वो, जो भी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, अपना नमक है उसके अंदर, हमने भाजी के अंदर भी नमक डाला था, वो चीज़ का ध्यान रखना। अगर बॉईल करने में भाजी में नमक डाला तो इसमें हम वही हिसाब से क्वांटिटी में डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए करके ज़्यादा हो गया। देखो मम्मी ने भाजी में भी डाला था, इसलिए इसके ना मसाले के थोड़ा सा नमक डाली ताकि भाजी में और मसाले में फ्लेवर बैलेंस हो जाए, ना कि कम ज़्यादा हो। तो अभी इसे हम अच्छी तरीके से भून के ले लेंगे, तेल की तरी ऊपर आना चाहिए। जब ये भून जाएगा तब इसके ना हम जो शिमला मिर्ची और गाजर जो फ्राई करके रखे थे हम उसके अंदर डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरीके से भून के ले लेंगे ताकि मसाले के अंदर शिमला मिर्ची और गाजर का फ्लेवर बढ़ जाए। मेन पाव भाजी का मकसद, मेन पाव भाजी के अंदर तो शिमला मिर्ची और गाजर तो मेन है। अब देखो ये मसाला भून चुका है अच्छी तरीके से, शिमला मिर्ची गाजर भी उसी के साथ भून चुकी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमने जो फ्लावर वटाना आलू शिमला मिर्ची जो बॉयल करके स्मैश करके रखे थे उसे हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और पानी इतना डालेंगे जो क्वांटिटी कम ज़्यादा आपके हिसाब से आप क्वांटिटी रख सकते हो, जितना चाहे आप गाढ़ा रख सकते हो, जितना चाहे आप पतला रख सकते हो, आपके आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम क्या करेंगे, हम मीडियम में रखेंगे, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम इसमें रखेंगे ताकि दाल मतलब पाव के साथ तो खाएंगे, किसी किसी को क्या है अब पाव से पेट भरता नहीं, किसी को पाव नहीं जमता, तो वो चावल या रोटी के साथ भी खा सके, इस तरीके से हम क्वांटिटी में रखेंगे। तो वो चीज़ का ध्यान रखना आप अपने हिसाब से भाजी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो पानी से। अब ये जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, मम्मी को लगेगा हाँ इसकी पानी की क्वांटिटी सही है, तब इसे मम्मी रख देगी गैस पे, गैस ऑन करके उसको अच्छे से बॉईल होने देगी 5 से 6 मिनट। जब वो बॉईल हो जाएगा अच्छी तरीके, तब हम क्या करेंगे आगे वो भी प्रोसेस देखेंगे। अब तो मम्मी इसकी क्वांटिटी देख रही कम ज़्यादा सही है कि नहीं, नमक सही है कि नहीं है। ये स्टेप पे आप नमक भी चेक कर सकते हो, अगर नमक आपको कम लगता तो आप डाल सकते हो, अगर ज़्यादा हो गया तो आप उसके अपना आटे का गोला डाल दोगे तो वो नमक बॉईल होने के टाइम पे खींच लेगा, बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रख सकते हो। अब देखो ये बॉईल हो चुका है अच्छी तरीके से, तेल की तरी ऊपर आ गई है और क्वांटिटी भी सही है, भाजी की नीचे लगी नहीं है, वो भी हमें चेक करते रहना करके भाजी नीचे नहीं लग जाए। तो जब बॉईल आ जाएगा अच्छी तरीके से, 5-6 मिनट हो चुके होंगे, तेल की तरी ऊपर आ जाएगी, थोड़ा सालन गाढ़ा मतलब भाजी की गाढ़ी हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे कोथमीर से गार्निशिंग कर देंगे। पाव भाजी में पता नहीं कोथमीर पड़ती कि नहीं पड़ती, पर हम डालेंगे, हम इंडियंस का मम्मी को, हम इंडियंस मम्मी मतलब हमारी जो मम्मी होती है इंडियंस, उनको बिगर कोथमीर की कुछ चीज़ तो हजम होती नहीं है, उन्हें हर चीज़ में कोथमीर चाहिए रहता है, तो कोथमीर मस्ट है। कोथमीर हो जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे, बंद करने के बाद हम सर्विंग देख लेंगे, हम कैसे सर्विंग कर सकते हैं, कौन से स्टाइल में। आप चाहे पाव ऐसे रख सकते हो, या फ्राई करके हैजा जो बाहर चौपाटीज में या दूसरी जगह पाव भाजी मिलती है वैसी भी रख सकते हो। मैंने प्लेन पाव रखा क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली फूड मतलब खाते नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा भाजी निकाल लिया कटोरी में, उसमें कांदा, कोथमीर, नींबू और थोड़ा सा मस्का डाल के, मतलब ज़्यादा फैट वाला ऑयली खाना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा नाम के लिए मस्का, पाव भाजी खा रहे मस्के का तो फ्लेवर होना ही चाहिए, मस्का लगना ही चाहिए, तो वही हिसाब से ये सर्विंग हुई है। अगर आपको पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगी हो मम्मी के स्टाइल में, तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलना।